आज चैत्र कृष्ण दशमी शुक्रवार 17 मार्च 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सनातन संस्कृति के भारतीय नववर्ष के अनेक आयाम हैं, उनमें से कुछ विशेषताओं का आज अवलोकन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की थी और इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ भी माना जाता है। इस त्रेता युग में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। विशेषता यह है कि त्रेता युग में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। यदि हम सनातन संस्कृति की कालगणना का उल्लेख करें तो सप्तऋषि संवत को हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन संवत माना जाता है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तभी से सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आया ऐसा माना जाता है। महाभारत काल तक इस संवत का प्रयोग हुआ था। केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्तऋषि संवत का प्रयोग होता था। इसके प्रमाण हमारे पुराण महाभारत, राजतरंगिणी और श्रीलंका का प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश आदि हैं। यह आश्चर्यजनक है कि तब से ही कालगणना वैज्ञानिक आधार पर होती थी, जिसका आधार सौर चक्र था। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस संवत का नामकरण सप्तऋषि तारों के नाम पर किया गया है। श्रीलंका के प्रसिद्ध ग्रंथ महावंश में एक जगह लिखा गया है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक सप्तऋषि संवत 6208 में हुआ था। और यदि वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहे विक्रम संवत 2080 के अनुसार गणना करें तो यह वर्ष श्री कृष्ण संवत का 5248वां वर्ष है। सारांश यह है कि वर्तमान में जो संस्कृतियां हमें दिखती हैं उनका तब कहीं अस्तित्व ही नहीं था, और तब वेदों के अनुसार इसी दिन परमपिता ब्रह्मा ने ईश्वर की आज्ञा से सृष्टि की रचना की थी। और हमारे वेद बताते हैं कि तब काल गणना की सटीक पद्धति सनातन संस्कृति में विद्यमान थी। जय श्री कृष्ण। कल हम कुछ और रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी में इन दिनों 40 दिवसीय निकुंज लीला की सेवा चल रही है। इसके तहत प्रभु श्री जी को आज भी ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होते हैं उन तिथियों को यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा
और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए दर्शन करें। सहज प्रीत गो पाल भावे, सहज प्रीत गो पाल भावे, निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के दर्शन हम श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है। आइए प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग की जरी की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर जरदोशी का सुंदर काम किया हुआ है तो हाशिया भी बना हुआ है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी भी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है। चर्वित तांबुल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र फिरोजी जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए हुए हैं। ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु को आज फिरोजी रंग का ही मलमल का किनारी से सुसज्जित पटका भी धराया हुआ है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज लाल रंग के धराए हुए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी रंग के मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज फिरोजी रंग की जरी की ही छज्जेदार पाग धराई गई है जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज श्याम रंग की गोल चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल तो धराए हुए ही हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से एक दुलड़ा व एक नौलड़ा धराया गया है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है जिसके साथ गुलाबी रंग के मीणा के वेणु जी धराए गए हैं और साथ में कटी पर वैत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर
पुष्पों से बने सुंदर छोका जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष आज पट फिरोजी रंग का और गोटी चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज वस्त्र श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई जाने वाली यह आरसी नित्य की चांदी वाली है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में नैन उनिंदे आए राजभोग में कुंवर बैठे प्यारी के संग आरती में मैया याते भई अबेर शयन में मिले पिय साकरी गली मान के पद में मान तज भामिनी पोढ़वे के पद में दंपत्ति पोढ़े रसबतियाँ करत कीर्तनों का प्रभु श्री जी के समक्ष गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर बाल भोग रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। वहीं सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसम के फल फूल का विशेष भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के आज लोम और तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। इनके साथ कुछ और उल्लेखनीय विशेषताएं भी हैं, जैसे कि प्रभु के समक्ष अब चांदी का कुंजा पधराया जाता है। तो कीर्तनों में प्रभु के समक्ष इन दिनों निकुंज लीला के कीर्तन गाए जाते हैं और जब राजभोग प्रभु अरोगते हैं तब छाक लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। अब श्रीजी में फूल मंडली के मनोरथ भी प्रारंभ हो गए हैं। आप भी यह मनोरथ करवा सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीजी को नित्य विविध प्रकार के आचार भी अरोगाए जाते हैं जिन्हें यहाँ संधाना कहते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे
सब मिलकर तो सब मिलकर आदर तीजो मोहर आवे तो सब मिलकर तो सब मिलकर आदर तीजो मोहर आवे तो मोहन आवे तो महल में खबर की जो मोहन आवे तो हाँ मोहन आवे तो महल में खबर जब मोहन देहरी पे आवे जब मोहन देहरी पे आवे जब मोहन देहरी पे आवे तो लाल गुलाल तो लाल गुलाल वापे डार दी जो मोहन आवे तो तो लाल गुलाल तो लाल गुलाल बाप डाल दी जो मोहन आवे तो मोहन आवे तो महल में खबर दी जो मोहन आवे तो मोहन आवे तो महल में खबर जब मोहन अंगना में आवे मोहन अंगना में जब मोहन अंगना में आवे जब मोहन अंगना में आवे भर पीछे कर तो भर पीछे कारी बापे डार मोहन आवे तो हाँ तो भर पिचकारी तो भर पिचकारी वाप डार दी जो मोहन आवे तो आवे तो महल में खबर दी मोहन आवे तो हाँ मोहन आवे तो महल में खबर आवे तो महल में खबर दी जो आवे तो महल में खबर दी जो जब मोहन चौका में आवे जब मोहन चौका में जब मोहन चौका में आवे मोहन चौका में आवे तो गहरी भांग तो गहरी भांग पिलाए दी जो मोहन आवे तो हाँ तो गहरी भांग तो गहरी भांग पिलाए दी मोहन आवे तो महल में खबर दी जो मोहन आवे तो मोहन आवे तो महल में खबर दी जो मोहन आवे तो हाँ मोहन आवे तो महल में खबर दी जो मोहन आवे तो
जब मोहन मैलो में आवे, 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 तो कुसुमन से तो कुसुमन सेज बिछाए दीजो मोहन आवे तो, हाँ तो कुसुमन सेज, तो कुसुमन सेज बिछाए दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो मैं खबर दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे। सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, वाकु हृदय के बीच, वाकु हृदय के बीच बसाए लीजो मोहन आवे तो, हाँ वकोरी दया के बीच, वकोरी दया के बीच बसाए लीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर लीजो मोहन आवे तो, हाँ मोहन आवे तो महल में खबर लीजो मोहन, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे तो, हाँ मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे तो, जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे पे आवे, जब मोहन द्वारे तो तब मिल कर आदर दीजो मोहन आवे तो, सब मिल कर आदर दीजो मोहन आवे तो। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।